नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़ और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता शक्तिमान कुमार की खबर बिहार पूर्णिया से। रुपौली प्रखंड चीकापट्टी थाना क्षेत्र कोयली सिमरा पश्चिम के अंतर्गत ग्राम डुमरी में बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना कार्य 2020 में चालू हुआ, परंतु आज 2021 में भी पूर्ण नहीं हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि वक्त सड़क के मुहाने पर एक दो घर बिहार सरकार व दयनेज की जमीन में अवस्थित हैं। इस घर को हटाने के लिए ग्रामीण द्वारा पहल कर आपसी लिखित सहमति बनाई गई, पर महीनों बाद भी घर नहीं हटा। फलक तक सड़क निर्माण कार्य बाधित है। ग्रामीण कई बार अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष महोदय के यहाँ शिकायत करने पहुँचे, परंतु कुछ नहीं हुआ। अंत में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को दिनांक 29/4/2021 को लिखित सूचना दिया गया, परंतु चक्का जाम कर ग्रामीण इस कोरोना महामारी काल में भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जी हां, और ग्रामीण का कहना है कि इस सड़क पर 5 जिलों का लोग आ जा सकता है, लेकिन सड़क बनने से बार बार असमर्थ हो रहे हैं, जिसमें कि ग्रामीण ने बताया है कि इस सड़क के बिना हम लोगों को अर्थी ले जाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सड़क बनाने में साथ दे। भूख हड़ताल में शामिल ग्रामीण संजय समदर्शी, अनिल कुमार, सखी चंद मंडल, दिनेश चौधरी, विनोद यादव, चंद्रदेव मंडल, योगेंद्र मंडल, संजय मंडल, वरुण यादव, परमानंद ठाकुर, शिव नारायण सिंह, विनोद मंडल और भी कई ग्रामीण सभी भूखे प्यासे चक्का जाम किए हुए थे। सरपंच, कितने घर उस बिहार सरकार में है? सरकार तो है तो सब जाएगा, लेकिन जहाँ सड़क जीतेगी उसी जगह है दो तीन घर, वो हटाने में असमर्थ कर रहा है कि नहीं। हाँ, प्रशासन भी काम नहीं कर रहे हैं, अंचलाधिकारी भी साथ नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं नहीं होता है। अच्छा नहीं, चुप रहो चुप रहो, देखो मीठा देखो, चुप चुप चुप, वही करके कह छोड़ देते हैं अंचलाधिकारी। तो इससे हम लोग को काम चलने वाला नहीं है। ठीक, जैसे आपने भूख हड़ताल रखी है, कितने दिन से नहीं खाए? आज दिन भर से। आपका नाम बाबा क्या है? क्या दिक्कत हो रही है? भूख हड़ताल रखी है, आपका नाम? किस नाम? मेरा नाम संजय कुमार मंडल है। हम लोग जो है ना सड़क से बहुत पीड़ित हैं। हमारा घर इसी डुमरी में 14 वार्ड में पड़ता है। 14 वार्ड की खास करके समस्या क्या है, कोई भी अगर यहाँ पर मरता है मतलब अर्थी भी निकालने में हम लोगों को बहुत परेशानी होता है, कंधे पर लेके निकालते हैं। देखिए, यहाँ मामला तक भी वो खाली नहीं हुआ। इस उद्देश्य से ये सड़क निर्माण हो, इसके लिए हम लोगों ने श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय के पास भी लिखित शिकायत किया। आगे आ जाते, उसके बाद श्रीमान थाना अध्यक्ष के पास भी कई बार हम लोगों ने आवेदन दिया, कई बार स्थल जाँच भी हुआ, आश्वासन पर आश्वासन हम लोगों को मिलते रहा कि घर खाली भी होगा, सड़क निर्माण कार्य भी होगा, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई अनुकूल परिणाम नहीं मिला, जिसके चलते हम तमाम पीड़ित जनता, जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत हम लोगों ने शांतिपूर्वक सड़क जाम कर भूख हड़ताल पर बैठने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी पीड़ा को देख कर प्रशासन और सरकार हमारी गंभीरता से हमारी मांगें पूरी करने के लिए तत्पर होगी। आपकी परिचय? मैं संजय समदर्शी, जिला प्रवक्ता विकास सोल्यूशन पॉइंट। धन्यवाद। गांव में सड़क की बहुत आवश्यकता है, ये सड़क निर्माण हो रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना जो 29 अगस्त 2020 में शिलान्यास के उपरांत निर्माण कार्य आरंभ हुआ, लेकिन इस सड़क बनने के मुहाने पर एक दो ठो घर है जो बिहार सरकार की जमीन और ड्रेनेज की जमीन अंशतः है, वो अगर खाली हो जाता तो ये समय के साथ हम लोगों को सड़क मिल जाता। ये सड़क इतना आवश्यक है, मैं बताना चाहता हूँ,
कि एक टोला जो डुमरी का मुख्य टोला है प्रत्येक वर्ष वर्षों से 5 महीना संपर्क विहीन हो जाता है, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से, बाजार से, यहाँ तक कि 5 महीने इस सड़क की आवश्यकता नहीं बल्कि इस टोले से कोई भी अर्थी कंधे से नहीं निकलती है। उसके बाद ये सड़क 5 जिला को जोड़ रहा है और ये मुख्य सड़क है, हम लोगों को ज़रूरत है, लेकिन सौभाग्यवश मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ये कार्य आरंभ हुआ लेकिन आज तक नहीं बन सका। वजह आगे में एक दो ठो घर है, बिहार सरकार की ज़मीन से हम लोगों को निकास निकलना है, उसी पर सड़क बनना है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, ग्रामीण सहमति बनाई, उन लोगों को जिनका घर पड़ता है बिहार सरकार की ज़मीन में, हम लोग पूरे गांव वाले बैठे, उनसे इस सड़क की महत्ता के विषय में बताए तो उन्होंने सोहर से लिखित सहमति जताई कि हम लोग 1-2 महीने के अंदर घर खाली कर लेंगे, अभी पानी का समय है। गाड़ी बंद किए हैं, रास्ता ही नहीं है तो जाएंगे कैसे? अच्छा, गाड़ी कितने बजे से गाड़ी बंद है? गाड़ी तो आप 8 दिन से बंद है गाड़ी। अच्छा, आप भूखे कितने दिन से हैं? भूखे आज सुबह से हैं। सुबह से हैं। हाँ, भूखे अभी तक कहीं नहीं गए, देखिए गाड़ी लगा हुआ है वहाँ। आप जो भूख मंडल है, ये भूख हड़ताल जो रखे है, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? ये भूख हड़ताल जो रखा गया है, ये जो सड़क जहाँ स्थल पर अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ये जो है कि 4 जिला को जोड़ने वाली सड़क है ये, और ये जो है कि यहाँ से मतलब जो है कि एक रोज पुल के एक रोज तक पहुँचने वाला है, जो कि मतलब 50 मीटर पुल के इधर है भी है, हाँ, जो कि जिसमें कि बिहार सरकार की ज़मीन में हाँ उसमें जो कि कब्जा किए हुए हैं जबरन, और फिर उसका घर बना हुआ है और खाली करने के लिए जब कहते हैं तो खाली नहीं होता है। कई बार हम लोगों ने थाना प्रभारी को भी आवेदन दिए, थाना प्रभारी भी आए यहाँ जाँच पड़ताल करने के लिए, हाँ, थाना प्रभारी यही बोलता है कि नहीं, जब तक कि सीओ साहब जो है कि जब मतलब हम लोगों को लिखित आदेश नहीं देंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे। तो सीओ साहब को भी आवेदन दिए, सीओ साहब भी नापी के लिए अमीन लेकर के आए यहाँ दिखा दिए, लेकिन अमीन अब तो उस पर भी जो है कि सीओ साहब का घर हटाने का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो है कि हजारों एकड़ मकई जो लगा हुआ है किसानों का, यहाँ जो है कि मतलब आवागमन जो है बंद होने की स्थिति में है, और मकई का फसल किसानों का कैसे आएगा, ये बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए जो है कि हम लोग इसके मैटर में लेकर के खाली करवाने के लिए हम लोग SDO साहब यहाँ गए। SDO साहब बोले कि नहीं, SDO साहब छुट्टी में है, अगर रहता तो हम ज़मीन उनको जो है खाली करवा देंगे, लेकिन अभी तक उस तरह का प्रक्रिया अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है घर हटाने का। और कितने दिन से ये हो रही है? ये लगभग साल भर से ये प्रक्रिया चल रहा है। साल भर? हाँ। और जहाँ भी आप जाते हैं CO आवेदन देते हैं?